सलाम नमस्कार पहलगू सरकार, तो कैसे हैं आप लोग यार। मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं डकी भाई के एक नए वीडियो पे, एक फ्रेश वीडियो पे जिसका टाइटल है व्हाई यू शुड नेवर मेक अ यूट्यूब चैनल। यार इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे रिएक्शन दूं यार, मुझे पहली बार मतलब जिंदगी में पहली बार कोई मेल आया है, कोई कुरियर आया है। और किसने भेजा पता है? एक सब्सक्राइबर ने, एक 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 फ्रेंड ने पहली बार। और वो ये है, इसमें मेरी फोटो लगी है और ये प्यारा सा कॉफी मग, लेकिन फिलहाल इसमें चाय मैंने डाला हुआ है। जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपना नाम तो बताया है, बट उन्होंने वहाँ पे ये भी लिखा है कि प्लीज़ आप अपने वीडियो में दिखाएं, बट ये भी रिक्वेस्ट है कि नाम रिवील ना करें। तो आप जो हैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो डकी भाई की ये वीडियो व्हाई यू शुड नेवर मेक अ यूट्यूब चैनल। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, सब्सक्राइब जरूर कर लें यार प्लीज़। तोनू खुदा दा वास्ता यार भी। मैं काफी दिनों से बीमार था जिसका तुम लोगों को आइडिया नहीं होना, क्योंकि मैं 104 टेम्परेचर प्लिक्स प्रे फॉर मी वाले स्टेटस नहीं डालता। लेकिन जैसे तुम लोगों को बताने के लिए कि मैं काफी देर से इनएक्टिव था क्योंकि मैं थका हुआ था, पर से मौसम इतना टट्टी है कि कुछ करने का दिल भी नहीं करता। खैर मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि क्यों कभी भी तुम्हें यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहिए। काफी लोग पूछ रहे होते हैं यूट्यूबर बनना है, मुझे जल्दी से बताओ सब्सक्राइबर चाहिए। तो यार सीधी सी बात है, टीनेजर्स ज्यादा करते हैं, नहीं कर टीनेजर्स को चाहिए। यू कैंट, आई नो कि काफी थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा लग रहा है, लेकिन आगे वीडियो देखते जाओ। यूट्यूब ना एक बहुत डिप्रेसिंग और स्ट्रेसफुल जगह है। ऑडियंस को पता क्या लगता है? ओ यूट्यूबर है, कूल है, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज हैं, गालियां आती हैं ना जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, फट जाती है भाई। वो आपको खुश नहीं करती, और ऐसा मोस्टली तब होता है जब आपके पास बहुत सारी ऑडियंस होती है। और मेन रीजन जो है ना कि यूट्यूबर खुश नहीं रहता, वो यही है कि वो अपनी सारी ऑडियंस को एक साथ खुश नहीं कर सकता जिन्होंने उसको सब्सक्राइब कर रखा है। करेक्ट है। और ऐसे ही इट मेक्स यू सैड। मेरा एक दोस्त था स्कूल में, उसको बड़ा चस्का होता था कि यार वाइंस बनाते हैं, फेसबुक पे फेमस होते हैं और ये वो। और तब मेरा वो गेमिंग चैनल और टेक चैनल वगैरह भी हुआ करता था, तो मुझे देख के उसने भी बना लिया। अब वो मोबाइल से रिकॉर्ड करके वीडियोस वगैरह बनाता था, फिर उसने 70,000 जाया कर दिए कैमरे पे, ये सोच के कि व्यूज इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि क्वालिटी नहीं है वीडियो में। वो इस चीज को लेकर इतना डिप्रेस होता था कि व्यूज नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहा। 2 साल हो गए उसको वीडियोस बनाते हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि स्कूल वगैरह खत्म हुआ और कॉलेज डेज में भी मेरी बात होती थी उससे। मैंने उसको बोला कि भाई यार तू क्यों कर रहा है, ऐसे खुद ही टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने आप को डैमेज कर रहा है। तो वो सुनता मुनता कोई नहीं था, लेकिन बस उसके अंदर एक चस्का सा था कि बस फेमस होना है। मुझे आके कहता था कि यार तू भी तो कर रहा है। मैंने कहा यार मेरा वो सीन नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर चाहिए मुझे और ये वो। मैं गेमिंग वीडियोस और टेक वीडियोस ना भी बनाऊं तो आई एम स्टिल द सेम पर्सन, आई एम हैप्पी, मेरा कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेरा कुछ डैमेज नहीं हो रहा। तो मेरा इशू नहीं है, तुम्हारा ये इशू है, जिस चीज को तुम कर रहे हो उसका तुम्हें फल नहीं मिल रहा और उस चीज को लेके फिर तुम डिप्रेस हो जाते हो। और जब बंदे की ऐसी हालत होती है ना, तो ना तुम इधर के रहोगे और ना तुम इधर के रहोगे। तो मैं उसको वो समझाया करता था कि भाई तू ना कर, छोड़ दे, उसके ग्रेड्स वगैरह भी डाउन हो रहे हैं और वो वैसे भी मतलब लुल हो गया है बैठे बैठे। और फिर वो इस चीज को लेके इतना फारिग हो गया है कि जब मैंने उसको कहा कि भाई तू छोड़ दे, फिर उसने छोड़ दिया है, उसने डिलीट कर दिया है पेज वगैरह अपना और लाइक अपने पढ़ाई वगैरह पे लग गया है, नॉर्मल लाइफ उसकी शुरू हो गई ही दोबारा। खैर वो डिप्रेशन से निकल गया है, मेरी कोई बातचीत वगैरह नहीं होती थी उससे क्योंकि वो अपनी जगह बिजी था और मैं अपनी जगह। 4-5 महीने पहले ना वो मुझे जुमे में मिला राइडिंग अ फकिंग BMW। उसने मुझे इतना थैंक यू किया, कि उस दिन अगर तू मुझे फोर्स ना करता कि तू ये सब छोड़ के नॉर्मल जिंदगी गुजार, तो आज मैं यहाँ ना होता। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद उसने एक्सप्लेन किया था कि वो कर क्या रहा है। उसका अपना कैफे है इस्लामाबाद में और साथ उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और वो सिर्फ 23 साल का है। आज भी ना ये मुझे थैंक यू वैंक्यू वगैरह बोलता रहता है, और ये सब टर्निंग पॉइंट्स उसके मूव ऑन करने के बाद आए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि तुम्हारी कोई चीज एक जगह नहीं लिखी हुई ना, तो बस नहीं लिखी हुई। आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी आप टैलेंटेड हो, जो मर्जी कर लो, आपकी वो चीज लिखी नहीं हुई। कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर आपको शाउट आउट ही क्यों ना दे दे, आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका वो लिखा ही नहीं गया। लेकिन अगर एक जगह नहीं लिखा होता ना, तो दूसरी जगह जरूर लिखा होता है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर, तुम्हें जस्ट मूव ऑन करना है और जस्ट फ्लो के साथ साथ चलते जाओ, तुम्हें खुद मिलेगी कि हाँ मेरे लिए क्या लिखा था। काफी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने चैनल वगैरह बनाया हुआ है और वो कोई मतलब रैपिडली ग्रो नहीं कर रहे, 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक की मैं बात कर रहा हूँ, सालों से मैं अभी बैंकर बन के बैठा हूं वगैरह भी नहीं कर रहे, ना ही कोई प्रोग्रेस है, लेकिन टाइम जरूर लगा रहे हैं। मैं तुम लोगों को ये नहीं कहूंगा कि छोड़ दो, लेकिन मेरी एडवाइस यही होगी कि छोड़ दो। द फक
आई नो कि ये थोड़ा डीमोटिवेटिंग सा साउंड कर रहा है, और ऐसे बड़े यूट्यूबर भी बैठे हैं जो कह रहे होते हैं यू कैन डू इट, ट्राई हार्ड, हार्डर, ट्राई अगेन, ठीक है, और फिर वो YouTube पे सर्च मारते हैं हाउ टू गेट व्यूज एंड सब्सक्राइबर, फिर वीडियो आती है नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि व्यूज और सब्सक्राइबर कैसे लेते हैं। तो पहला हमारा स्टेप ये है कि गूगल एडसेंस का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको जीमेल बनाना है, और ऐसी पैंडियकियाँ होती हैं काफ़ी यूट्यूब पे। यार आप हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब वाली जो वीडियोज है ना उसका खुद का चैनल खोल के देख लो लोड़े लगे, तो जिसके खुद लोड़े लगे बताएगा कि हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब, तो वो सब बुलशिट होती है उनके पीछे ना जाया करो। और सही कह रहा हूँ, अगर तुमने कहीं पे चैनल बनाया हुआ है और तुम्हें कोई लाइक प्रोग्रेशन नहीं नजर आ रही तो ट्रस्ट मी छोड़ दो, छोड़ दो, एक्सप्लोर करो, मूव ऑन। देखो यार मेरे YouTube से इतने पैसे आ जाते हैं ना कि मेरी पॉकेट में नहीं रहोगे, तुम बड़े हो गए, बैंक से पैसे आते हैं, 24 साल के हो गए हो, तो यार बहुत जगह है यार, तुम कहीं भी जाके अपने लिए बात कर सकते हो कि यार मुझे जॉब चाहिए समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे टाइम ना जाया करो। अगर तुम्हें कुछ प्रोग्रेस नहीं मिल रही ट्रस्ट मी सारी उम्र दुआएं दोगे, जस्ट एक्सप्लोर और अच्छे वक्त का वेट करो। कि तुम लोग मेरा सेकंड चैनल डकी एक्स्ट्रा फॉलो करते हो, लेकिन अगर फॉलो करते हो तो तुम लोगों ने वहाँ पे पबजी मोबाइल फनी वीडियोस देखी होंगी, और उधर तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं कितने मजे से खेल रहा हूँ, हंस हंस के खेल रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जरा मजा नहीं आ रहा। आई फकिंग हेट दैट गेम। मैं क्यों वो वीडियोज के अंदर खुश लग रहा होता हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फॉर अस अगर तुम लोग नोटिस करो ना तो ये चीज काम भी करती है। आई मीन लुक एट द फकिंग व्यूज यार, उन वीडियोस पे और उन गेम पे जिसमें मुझे खेलने का मजा ही नहीं आ रहा, ना ही बनाने का आ रहा है, और मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे बहुत मजा आ रहा है और ये कोई बेस्ट गेम एवर है, जबकि डीप इनसाइड आई नो कि कितनी टट्टी और लन गेम है, लेकिन वो बिका, लोगों ने पसंद किया और लोगों को और चाहिए। जब भी मैं फोर्टनाइट या कोई हॉरर गेम या और कोई गेम स्ट्रीम कर रहा होता हूँ या वीडियो बना रहा होता हूँ जिसमें मुझे जेन्युइनली मजा आता है, तो उन वीडियोस पे मोस्ट ऑफ द कमेंट्स यही होते हैं, पबजी मोबाइल किधर है, पबजी मोबाइल, वी नीड पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल किधर है, पबजी मेरे एल पे। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सब, एंड आई मीन सब अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को सैक्रिफाइस करते हैं तुम लोगों को खुश करने के लिए। यू नो हमारी वीडियोस कैसे बनती हैं? अगर कोई व्लॉगर है ना, हे गाइस वेलकम टू अनदर क्रेजी व्लॉग, आज हम दोबारा से काशिप की बात मारेंगे, तो स्टे ऑन द एडवेंचर विद मी गाइस, फक या। और इवन मेरे पबजी मोबाइल वीडियोस के अंदर भी, हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो, बेस्ट गेम एवर, पैन बहुत सारी गेम्स, बस पबजी मोबाइल। और जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड होगी ऐसे वीडियो स्टॉप रिकॉर्डिंग दबाते हैं और और मतलब यू नो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तुझे पबजी मोबाइल वीडियो बनाने का बोला है तो तू पबजी मोबाइल वीडियो ही बना, ज्यादा भूत मरवाने की जरूरत नहीं है, व्यूज आ रहे हैं ना तो बस। लेकिन यार वो फोर्टनाइट हॉरर गेम्स और ये बाकी पीसी गेम्स, फक फोर्टनाइट और फक यू आल्सो, बकवास करनी है तो दफा हो यार। लेकिन मुझे मजा आता है और मैं भी देख रहा हूँ बाकी यूट्यूबर्स को, मतलब वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, hey guys, welcome back to my channel, और मुंह पे ऐसे चौड़ी सी स्माइल होती है, और मुझे डीप इनसाइड पता होता है एज अ यूट्यूबर कि वो कितना ट्राई हार्ड कर रहा है पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए। एंड आई फील लाइक फोर्सिंग योरसेल्फ टू बी पॉजिटिव इज नॉट अ गुड थिंग। वड्डी अंग्रेजी नहीं आ गई वैसे मुझे। मैं पहले ही बता दूं कि मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा, या ये किसी यूट्यूबर को मैं कॉल आउट या कोई रोस्ट नहीं कर रहा। आई नो मसाला और स्यापा चाहिए होता है बड़े लोगों को, फकिंग मैंगोबाज, लाइक ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ना इसकी, ना इसकी, और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं ना कर रहा। यू नो मैं सिर्फ यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारी कोई बच्ची तुम्हें वो जोक सेंड करती है ना, और फिर तुम उसको हा 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 और आगे क्राइंग इमोजी वगैरह और ये हंसने वाले इमोजी और ये ऐसी पैनियकियां सेंड कर देते हो, और उसको लग रहा होता है कि तुम वाकई हा 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 कर रहे हो, तुम्हारी हंस हंस के घंटे हाथ में आई है, लेकिन असलियत में तुम्हें बहुत बड़ी चुस लगती है, लेकिन तुमने उसको खुश रखना होता है ये दिखा के कि तुम हंस रहे हो, तुम खुश हो रहे हो उसके जोक से। ऑलमोस्ट सेम केस है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों के सामने एक्ट करूं या कोई अपना फेक वर्जन दिखाऊं और हर वीडियो में हे गाइस वेलकम बैक टू पबजी मोबाइल फक या करूं। आई नो कि कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ना व्यूज आपको खुश नहीं करती, अपने व्यूज करते हैं अपने वीडियो का जरा मतलब नहीं है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। आई नो कि मतलब लोगों ने वीडियोस बना देनी है, डक्की भाई क्विट्स यूट्यूब, डक्की भाई गेटिंग मैरिड, डक्की भाई जस्ट ब्रोक अप विद हिज हैंड, डक्की भाई इन जेल, डक्की भाई इन जेल, ये एक्चुअली फकिंग वीडियो है डक्की भाई इन जेल, लेट्स वॉच इट। इफ इन प्रिजन व्हाट वुड दीस सोशल मीडिया स्टार्स बी अक्यूज्ड ऑफ, अगर जेल चले जाएं और ये वाले सोशल मीडिया स्टार्स जो इनके साथ, क्या इन पे इल्जाम होगा? ठीक है, डक्की भाई, डक्की डक्की बेचारा डकी जो है ना, देखिए डकी मासूम इंसान है सही है, मासूम मासूम, वो गालियां देता है, वो गालियों के चक्कर में अंदर हो जाएगा किसी दिन।
डकी पे हंसे क्यों थे? क्योंकि डकी बहुत ही रियल लाइफ कॉमेडी कैरेक्टर है. ही इज वन ऑफ द फनीस्ट पीपल आई हैव एवर मेट इन माय एंटायर लाइफ. बस डकी भाई इन जेल. मैं पहले ही बता दूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है. रोस्ट वीडियोस आती रहेंगी, पबजी मोबाइल वीडियोस भी आती रहेंगी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा. ये जस्ट एक यू नो अपडेट वीडियो कह लो. आई ऑल्सो वांट टू गिव शाउट आउट टू माय बॉयज मुनीब की मीम्स और राजा जी जो समटाइम मुझे मेरी वीडियोस में हेल्प आउट कर देते हैं, तो शाउट आउट टू देम. और मुझे ये भी बताना कि अगर मैं ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस जहां पे मैं तुम लोगों के सामने साधु रहमान बन के बात किया करूं, ना कि डकी भाई बन के बात किया करूं, अगर तुम लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक में हो सकती है, तो डू लेट मी नो, कमेंट में बताओ और लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. बाय. डकी भाई ने जो बोला वो वाकई बहुत सही बात है. पहली बात मोटिवेशन की थी कि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा या आपको कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं दे रहा. तो यार यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप यूट्यूबर बनो, आपकी कैरियर्स बहुत अच्छी जाएगी, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ आप पैसे कमाओगे हर महीने के, ऐसे सपने दिखाते हैं. और ऐसे वीडियोस में वो फंस जाते हैं जो 8, 9, 10, 11 या 12th के बच्चे होते हैं, यानी कि ज़्यादातर टीनएजर्स. और जब भी अब मैं इंस्टाग्राम पर जाओगे तो मेरे इंस्टाग्राम पर वो 99+ मैसेजेस हैं. अब उसका ज़्यादा कितना है, मैं दिन भर में 100 मैसेज भी पढ़ लूँ या 200-500 जितने भी मैसेज पढ़ लूँ, वो 99+ ही हमेशा रहता है. और मैक्सिमम जो है वो टीनएजर्स के रहते हैं. उनका कॉमन सा रहता है रिक्वेस्ट कि मयंक भाई, आई एम योर बिग फैन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, फिर सिटी का नाम, मेरा ये चैनल एक बार चेकआउट कर लो प्लीज, आउट आउट दे दो. मैक्सिमम का यही रहता है. तो वो लोग वो समझते नहीं है कि शाउट आउट देने से कुछ नहीं होता. डकी भाई भी ने भी यही बोला है कि शाउट आउट दे दूंगा, लोग देखेंगे, आपका नाम जानेंगे, फिर कुछ दिन बाद दो से तीन दिन बाद वो नाम भूल जाएंगे, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जब तक आपकी कंटेंट सही नहीं होती है, जब तक आपकी एडिटिंग सही नहीं होती है, जब तक क्वालिटी सही नहीं होती है, जब तक आप लोगों को बांध के नहीं रख पाते. तो मुद्दे की बात ये है भाई कि अगर आपकी पैशन है वीडियोज़ बनाना तभी आप वीडियोज़ बनाओ. पैशन नहीं है, आपका वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है, लेकिन आप इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको सब्सक्राइबर चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको फेमस होना है, तो यकीन मानो आप फेमस नहीं हो सकते. मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे शुरू किया था? यार मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू तब किया था जब मैंने पहले जेबी क्वे को देखा. मैं पहले 2011-12 से यूट्यूब पर ट्राई कर रहा था, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते थे, कभी व्यूज़ नहीं है. 200, 300, 250 मैं मीम्स, कोई भी करंट टॉपिक होती थी उस पर मैं मीम्स बना लिया, और मीम्स ट्विटर पे चला जाता था, कॉपी पेस्ट मीम्स का करता था, ट्विटर पे गया 10-12 मीम्स लिख लिए डायरी पे, और फिर उसको मैं बोलता था फनी वे में, बैकग्राउंड में म्यूज़िक, लाफ्टर का म्यूज़िक दे देता था, खूब शेयर करता था ट्विटर पे, फेसबुक पे, दोस्तों पे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड. कुछ दिन बाद मेरे दोस्त लोग ना वो लिंक को देख के छोड़ देते थे, शीन करके छोड़ देते, ब्लू टिक, आज तक वो ब्लू टिक है, उसके बाद उस पर कोई रिप्लाई भी नहीं आया. तो कुछ नहीं होता है जब तक आप अपने मन से काम नहीं करोगे, घंटा कुछ नहीं होगा. जेबी क्वे को देखा, मुझे लगा कि ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा अमेरिकन पे नहीं. कैसे, मैं एक बार बहुत बोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड, मुझे वीकेंड था या कोई छुट्टी का समय था, पता नहीं, होली का समय था, 4-5 दिन की छुट्टी होती है. मैं बोर हो रहा था, बॉलीवुड की कोई मूवी यूट्यूब पे सही से थी नहीं, ना मेरे पास उस वक्त नेटफ्लिक्स थी, ना मेरे पास अमेज़न प्राइम थी. तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया कोई मूवी देखने को मिल जाए, जो थी मैंने देखी हुई थी अच्छी मूवीज़, जो नहीं देखी थी वो देखने लायक नहीं थी. तो फिर ने सोचा यार पाकिस्तान में तो बनता होगा, क्योंकि यार मैं बिहार से हूँ, इंडिया में एक स्टेट है बिहार, मैंने भोजपुरी भी की, लेकिन भोजपुरी मूवीज़ मतलब देखने लायक नहीं होती यार, कुछ ज़्यादा ही अश्लील होती है. तो मैंने सोचा यार अब कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी का जो मूवी है वो मैं देख चुका हूँ जो देखने लायक है, दूसरी लैंग्वेज मुझे आती है भोजपुरी, भोजपुरी में ऐसी कोई मूवी है नहीं जो मैं देखूँ, और फिर अच्छे से समझ आती है उर्दू, तो उर्दू में मूवी बनती है क्या. फिर दिमाग आया अबे पाकिस्तान में तो बनती ही होगी, मुझे पता तक नहीं था कि पाकिस्तान में मूवी भी बनती है. एक मूवी का नाम पता था, वो है खुदा के लिए. वीडियो बनाने से पहले, यूट्यूब पे आने से पहले, रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले बस एक मूवी का नाम पता था जो पाकिस्तानी है, वो था खुदा के लिए.
तो उससे मेरे दिमाग में हिट किया अबे खुदा के लिए है, क्योंकि वो इंडिया में रिलीज हुई थी तो और भी बनती होंगी। तो पहला मूवी था जो मैंने यूट्यूब पे देखा पाकिस्तानी, दैट वाज एक्टर इन लो, और मुझे बहुत फनी मूवी लगा। फिर मैंने ऐसे ही मूवी देखने के बाद नीचे आता है सजेशंस, उसमें जैबी क्वे का था, पाकिस्तानी रिएक्शंस का था, पाकिस्तानी रिएक्शंस यानी फारूक का, उस वक्त 7 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर्स था, उसने कोई इंडियन मूवी के ट्रेलर पर रिएक्शन दिया था। मैंने सोचा ये बंदा ये ट्रेलर पर रिएक्शन दिया मैं भी दे सकता हूँ। तो मैंने एक्टर इन लॉ का ट्रेलर निकाला, दे दिया रिएक्शन। फिर मेरे मामा के बेटी का शादी था, मेरी बहन का, मैं उनकी शादी में गया, 10 दिन बाद आया तो भाई साहब 80 हज़ार व्यूज़ मिल चुके थे, मैंने शुरू कर दी। तो मेरा YouTube पे आने का सपना था, मैं 4-5 साल से लगातार कोशिश कर रहा था, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए थे, सेटिस्फैक्शन मिलता था वीडियोस बनाने से, खुद की वीडियोस खुद से देख के मज़े करता था, तो इसलिए आ गया। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी हैं, आपको व्यूज़ नहीं चाहिए, पहले आपका बस पैशन है बनाना, बस कैसे भी बना के रखना, मेरा ये था कि कोई नहीं देखेगा तो बाद में 4 से 5 साल बाद, 6 से 7 साल बाद मैं खुद की वीडियोस देख के ये तो हंसूंगा ना कि भाई ये मैंने बनाया है, और 6 साल पहले मैं ऐसा दिखता था, एक मेमोरी जैसा कि चलो एक मेमोरी क्रिएट हो रहा है खुद का, 7 साल 8 साल बाद खुद को देखेंगे। तो इस तरीके से मुझे मोटिवेशन मिला और मेरे अब 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो डकी भाई ने कुछ बताया तो मैंने भी सोचा कि यार मैं अपनी जर्नी कैसे शुरू हुआ YouTube पे, कैसे आया, और ये मुझे शेयर करना चाहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो यार लाइक ज़रूर ठोक दें। तो बस यार आज के लिए इतना ही, रिएक्शन आपको कैसा लगा, मेरा जो स्टोरी है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता। लाइक करना बोले एम करते कम से कम 1000 लाइक्स की, अगर आपने मुझे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी ज़रूर कर लें, पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।